Vivo T3 Ultra बहुत ही जल्द हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फोन बहुत ही सरप्राइजिंग फोन है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये है Vivo T3 Ultra। इस तरह का हमें डिजाइन देखने को मिलने वाला है जो कि Vivo V40 सीरीज से मैच होता है। सिर्फ इसमें हमें जाइस की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी और जो हमें थर्ड कैमरा होता है वो कैमरा हमें नहीं मिलेगा। बाकी का हमें ऐसा ही कुछ डिजाइन देखने को मिलने वाला है। कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है और प्रीमियम इन हैंड फील के साथ में हमें मिलने वाला है। वैसे कि आपको पता है कि वीवो की टी सीरीज अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाती है जो कि स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ में आती है और ये फोन Gen Z को टारगेट करते हैं। साथ ही में हमें एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, इसलिए तो टी सीरीज के स्मार्टफोन स्टाइलिश और परफॉर्मेंस टारगेट रहते हैं। वैसे इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचेस की कर्व 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है और 4500 निट्स की हमें पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और प्रोटेक्शन हमें वही मिलेगी जो वीवो के सारे फोन्स में मिलती है शॉट सेंसर। और बैक साइड को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिल सकती है जो कि एक अच्छी बात है अगर ग्लास बैक मिलता है। और इस फोन की कैमराज भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इसमें हमें मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि सोनी IMX921 OIS के साथ में आता है जो कि एक फ्लेक्सिबल का कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और 15 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी मिल जाती है, यानी कि कैमराज बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके कैमरा जो है फ्लेक्सिबल के रहने वाले हैं, यानी अच्छी खासी फोटोज आप क्लिक कर पाओगे इस फोन से। वैसे अभी तो इस फोन के फोटो सैंपल बाहर नहीं आए हैं बट मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फोटोज आने वाले हैं क्योंकि प्राइस भी अच्छा खासा ले रहे हैं हमसे। और परफॉर्मेंस के लिए हमें इसमें डायमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पे वर्क करने वाला है। पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 से भी पावरफुल है, यानी कि जो 40-40 हजार के फोन्स में प्रोसेसर मिल रहा है उससे भी अच्छा प्रोसेसर हमें इस फोन में मिलने वाला है। और LPDDR 5X की रैम मिल जाती है और UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी, यानी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी हमें। और आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 14 मिलेगा और फन टच OS 14 के साथ में ये आने वाला है, यानी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है। और परफॉर्मेंस तगड़ी मिल रही है तो इसमें बैटरी भी तगड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए इसमें हमें 4500mAh की बैटरी मिल जाती है 80W के चार्जर के साथ में। वीवो के अकॉर्डिंग अगर आपको बैटरी का अंदाजा दूं तो आप 9 घंटे तक लगातार पबजी खेल सकते हैं इस फोन के अंदर, जो कि मुझे शॉकिंग चीज लगी। अगर 9 घंटे तक इसमें पबजी चल जाता है ना भाई, तो बहुत ही बढ़िया फोन माना जाएगा। वैसे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमें IP68 की रेटिंग मिल जाती है, डुअल स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलने वाला है इस फोन के साथ में। और इसमें हमें 2 कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं और इन फोन के साथ हमें अप टू 12GB की रैम और 12GB की VRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी वर्चुअल रैम भी आप इसमें एक्सपांड कर सकते हैं 12GB तक। और इस फोन की जो प्राइस है वो बताई जा रहा है कि हमें 30,000 से ये फोन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा और ये जो प्राइस है वो शायद आफ्टर डिस्काउंट के साथ में हो सकती है। वैसे आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सके I am first।